गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा डेट इज़ द एंजियोस्पर्म। आज हम एंजियोस्पर्म का टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म कवर किया था, उसी रेस में हम आज एंजियोस्पर्म शुरू करेंगे। एंजियोस्पर्म जैसे कि आपको पता है ये हाईली एडवांस ग्रुप है, ठीक है। हाईली एडवांस मतलब अभी एट प्रेजेंट ये डोमिनेंट ग्रुप है ऑन अर्थ। प्लांट के अंदर देखें तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ग्रुप है, और ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इसके अंदर ओवरी जो है वो क्या है, ओवरी इंक्लूड करेगी सीड्स को, ठीक है, इंक्लूड करेगी सीड्स को। मतलब यहाँ पे जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि नेक्ट सीड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे नेक्ट सीड नहीं है, उनके चारों तरफ क्या होगी, ओवरी की कोटिंग होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर वेल डेवलप वेस्कुलर प्लांट्स, वेल डेवलप क्या होगा, वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप होगा, ठीक है। वेल डेवलप वेस्कुलर बंडल जो है वो प्रेजेंट होगा इनके अंदर। जाइलम्स के अंदर वेसल्स, फ्लोएम के अंदर शूट्यूब्स प्रेजेंट होती है। जैसे हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होती और फ्लोएम्स में शूट्यूब्स नहीं होती। तो यहाँ पे जो जाइलम है और जो फ्लोएम है वो डेवलप होते हैं, और जाइलम के अंदर क्या है, हमारे वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर शूट्यूब्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है फ्लोएम के अंदर, ठीक है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, एट प्रेजेंट जो अर्थ के ऊपर एंजियोस्पर्म है उसमें दो कैटेगरी हम मेनली देखते हैं। एक होती है हमारी मोनोकोट कैटेगरी एंड सेकेंड वन इज़ द डाइकोट कैटेगरी, ठीक है। कई बार मोनोकोट और डाइकोट के अंदर डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, तो आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे जो मोनोकोट्स होते हैं इनकी रूट्स क्या होती है, इनके अंदर फाइब्रस टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो डाइकोट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, टैप रूट प्रेजेंट होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अंदर सीथिंग लीफ बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीफ बेस प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या होगा, लीफ के अंदर पिटियोल्स होगा और लेमाइना प्रेजेंट होगा, ठीक है, पिटियोल और लेमाइना प्रेजेंट होगा। और अगर हम विनेशंस की बात करें तो इनके अंदर क्या होगी, ऐसे पैरलर विनेशंस प्रेजेंट होगी मोनोकोट में, और डाइकोट में क्या होंगे, रेटिकुलेट टाइप के विनेशंस होंगे, ऐसे नेट की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे मोनोकोट्स डेट मीन की ओनली सिंगल कोटिलीडन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, दो कोटिलीडन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे मोनोकोट के अंदर वो क्या होंगे, ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ इस तरह के, उसमें तीन लीफ प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे पेंटामीरस या फिर उनसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, फ्लावर क्या है, व्हाट इज़ फ्लावर, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर मॉडिफाइड शूट। अब देखो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो एंथर होगा वो आपका क्या होगा, बाइलोब्ड होगा, यानी कि उसके अंदर देखो इस तरह से दो लोब प्रेजेंट होंगे। ये हमारा फिलामेंट, ये हमारा स्टैमेन होगा, ठीक है, और स्टैमेन के ऊपर ये क्या होगा, एंथर होगा, ठीक है, एंथर। तो एंथर इसमें क्या होता है, इसमें से दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक लोब के अंदर क्या होती है, दो थिक्का होती है, ठीक है, एक थिक्का के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। यानी कि एक एंथर के अंदर अगर दो थिक्का है तो चार माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, यानी कि ये क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है। ये देखो ये यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर जो है वो मैंने दिखाई है, ऐसे चार स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशंस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर की का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि डिप्लोइड होती हैं, ठीक है, ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है आपकी। इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद पोलन टेट्रास्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, जिनसे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। अब यहाँ पे ये जो है, ये पोलन की स्ट्रक्चर दिखाई है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है जो डिवाइड करेगी, मियोसिस डिवीजन होगी, इसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। और पोलन ग्रेन के अंदर ये चार लेयर होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस,
उससे अंदर की लेयर एंडोडर्मिस, फिर मिडल लेयर एंड देन आता है कैपिटम। कैपिटम की दो नेचर हो सकते हैं, वो या तो एमीबॉइड नेचर की हो सकती है या सिक्रेटरी नेचर्स की हो सकती है। इसके पास क्या होते हैं, यूबिस ग्रेन्यूल्स होते हैं कैपिटम के पास, जो स्पोरोपोलेनिन बनाते हैं। स्पोरोपोलेनिन के क्या मतलब किस लिए होता है स्पोरोपोलेनिन, ये पोलिनेशन में हेल्प करता है स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन कौन सिक्रेट करता है, यूबिस ग्रेन्यूल्स, और यूबिस ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे कैपिटम के अंदर। ठीक, फिर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यानी कि ये देखो, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ऐसे ओव्यूल्स हैं। ठीक है, और ये स्टाइल और ये स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो वो स्टिग्मा से अटैच होता है, फिर पोलन ट्यूब ग्रो करती है स्टाइल्स के थ्रू, और फिर ओव्यूल से फर्टिलाइज करती है। ठीक है, ओव्यूल क्या होगा, इन ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा, प्लेसेंटा से अटैच होता है, और किसके थ्रू अटैच होता है, फ्यूनिकल से। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर अम्बेलिकल कॉर्ड से अटैच होता है, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा के थ्रू कैसे अटैच होगा, वो अम्बेलिकल कॉर्ड से। ऐसे ही प्लांट्स में क्या होती है, फ्यूनिकल्स, यानी कि फ्यूनिकल्स किसके होमोलोगस हैं, अम्बेलिकल कॉर्ड के। जो फ्यूनिकल्स है वो फ्यूज़ करेगी ओव्यूल के साथ, जिस पॉइंट पे वो फ्यूज़ करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, अगर हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल सराउंड होता है इंटेग्यूमेंट से। ओव्यूल के बाहर जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं। तो इंटेग्यूमेंट्स के बेस पे ओव्यूल दो कैटेगरी होती है, वन इज़ यूनिटैग्मिक एंड सेकेंड वन इज़ द बाईटैग्मिक। यूनिटैग्मिक का मतलब होता है कि वैन ओनली वन इंटेग्यूमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम यूनिटैग्मिक बोलेंगे, और ये क्या है, हाइयर डाइकोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। बाईटैग्मिक क्या होता है कि जब दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो हम उनको बाईटैग्मिक बोलेंगे, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रिमिटिव जो डाइकोट्स है। यानी कि जैसे जैसे हम इवोल्यूशन की साइड आ रहे हैं तो बाईटैग्मिक वाली जो है वो कम होते जा रहे हैं ओव्यूल्स, ओनली यूनिटैग्मिक ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट है अभी। तो ये पहले प्रिमिटिव में मिलते थे या फिर मोनोकोट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई है मैंने ओव्यूल की, यहाँ पे देखो ये फ्यूनिकल है जिसके थ्रू ये प्लेसेंटा से अटैच होगा, और जो ऊपर की साइड वाला एंड होता है उसको माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं, नीचे की साइड वाला लाजल एंड होता है, ये न्यूसेलस है। ठीक है, और ये इसके अंदर हमारा ओव्यूल है, ये सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं, साइनर्जिट्स हैं, सेंटर सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और ये सब क्या है, ये बीच वाला पोर्शन जो ओव्यूल है, इसमें जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग सेल्स और एंटीपोडल सेल्स बन जाती है तब हम इसको एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ठीक है, ये सराउंड होगा न्यूसेलस से, न्यूसेलस क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमारा ओव्यूल था उसकी कोई एक सेल है वो बिहेव करेगी आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह। आर्किस्पोरियल सेल्स क्या होती है, मेरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं। ये दो चीज़ें बनाती है, एक तो आउटर प्राइमरी वॉल बनाती है और सेकंड बनाती है ये इनर स्पोरोजेनस सेल्स। जो इनर स्पोरोजेनस सेल्स होती है ये डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन जब हमें बनाने थे तो हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, जब हमें ओव्यूल बनाना हो, एग सेल्स बनाने हो तो हम क्या करेंगे, मेगास्पोर मदर सेल से बनाएंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड करेगी, फोर हैप्लोइड मेगास्पोर्स बनाएगी जिसको हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था सेम वही चीज़ें, तीन डीजनरेट हो जाएंगे, ओनली वन सर्वाइव करेगा। और ये जो मेगास्पोर है ये फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट की, यानी कि ये मेगास्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इसके अंदर डिवीजन होती है, फिर एक न्यूक्लियस है यहाँ से दो बना, दो से चार, चार से आठ बना। ठीक है, आठ जब न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो इस स्टेज पे सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और टिपिकल जो फीमेल गैमेटोफाइट जो है हमारा वो प्रिपेयर हो जाता है। फिर आता है पोलिनेशन। क्या होता है पोलिनेशन का मतलब, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसके अंदर हम सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन पढ़ेंगे, सिट्रिनोगेमी क्या होती है, क्लिस्टोगेमी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे, जिसको पोलिनेशन कहते हैं उसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे। फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्म में वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या सीन है, एक तो होता है सिनगेमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिनगेमी में क्या होगा कि जो एक मेल गैमेट होगा वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करेगा, तब जायगोट की फॉर्मेशन होगी। तो ये क्या है,
एक प्रोसेस हो गया फर्टिलाइजेशन का, जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी। सेकंड में क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, उसमें जो दूसरा मेल गैमिट होगा वो जो दो सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ये जो इनके साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। तो ये दो एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर, एक ही ओव्यूल के अंदर, सॉरी एक ही ओव्यूल के अंदर दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो ये एंडोस्पर्म बना है, ये आगे फर्दर तीन टाइप की इसकी डेवलपमेंट होती है, वन इज़ सेलुलर, सेकंड इज़ न्यूक्लियर, थर्ड वन इज़ द हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये बहुत हायर क्लासेज में आता है, अभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो ओव्यूल होता है डेवलपमेंट के साथ, वो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। सीड के दो पार्ट होते हैं, वन इज़ द एम्ब्रियो, सेकंड वन इज़ द एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो जो सिनगेमी से बना था, इसके दो पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल्स और रेडिकल। प्लूम्यूल से सूट की फॉर्मेशन होती है, रेडिकल से क्या बनता है, रूट फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म के बेस पे। एंडोस्पर्म किससे बना था, ट्रिपल फ्यूजन से बना था एंडोस्पर्म के बेस पे। कोटिलीडन्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो एंडोस्पर्म के बेस पे ही होता है। अभी एक बार मैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल दे रखी है, उसके थ्रू मैं आपको एक बार फिर से सारा कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। ये हमारी प्लांट बॉडी है, जैसे कि हम आपको पता है कि एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, स्पोरोफिटिक फेज है वही डोमिनेंट हो जाता है। तो इसने प्लांट बॉडी जो नॉर्मल हमारे एंजियोस्पर्म में प्लांट होते हैं उसको स्पोरोफाइट बोला है, ठीक है। अब इसमें देखो जो मेल पार्ट है, यानी कि फिलामेंट है, एंथर है, यानी कि ये यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम में ओव्यूल बना। ये सब क्या है, गैमेटोफिटिक फेज चल रही है, गैमेटोफिटिक जनरेशन चल रही है, माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट बन गया। इधर मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन गया आपका, ओव्यूल की फॉर्मेशन होगी, इसमें ये एग सेल्स हैं। अब यहाँ पे देखो दो मेल गैमेट्स आ रहे हैं, एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, वो क्या जायगोट बनाएगा, और सेकंड वाला क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एन प्लस एन टू एन हो गया, और यहाँ से ये एक गैमेट हो रहेगा एन। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहाँ पे जो मेल जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या हैप्लोइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लोइड होगा। यहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन होगी, जायगोट से फिर एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप एम्ब्रियो बना यहाँ पे, और एम्ब्रियो से फिर फर्दर डेवलपमेंट में क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। ये था हमारा कंप्लीट जो एंजियोस्पर्म थे उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम एनिमल किंगडम शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम पोरीफेरा सीलेंट्रेट्स, प्लेटेलमेंथीज, एस्क्लेमेंथीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। वन बाय वन हम एनिमल किंगडम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप इन सब वीडियो को देखिए और प्लांट किंगडम को कंप्लीट कीजिए।